वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। सो अगेन वेलकम बैक इन माई अनदर वीडियो लेक्चर ट्यूटोरियल फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल एम डी याहिया फ्यूजन ट्यूटोरियल। सो टुडे आई एम हेयर टू डील्स अबाउट अ वेरी न्यू चैप्टर फ्रॉम क्लास 10 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज मेंशन ऑन द बोर्ड, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डील्स अबाउट दिस चैप्टर और इस पर काफ़ी सारी वीडियोज़ बनेंगी अभी, क्योंकि इस पर मैं बहुत सारी वीडियोस भी बनाऊंगा, क्योंकि एक क्लास एक लेक्चर का ये चैप्टर है नहीं, काफ़ी लंबा चैप्टर है सबको पता है। और वैसे भी इस बार टर्म टू के एग्जामिनेशंस में इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो इसीलिए इसका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली अच्छे से एक एक बेसिक एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करते हैं बिना देर किए चैप्टर 8 फ्रॉम स्टैंडर्ड 10। सो लेट्स बिगिन। तो ऐसा है कि ये डायग्राम आप लोगों को दिखाई देता होगा, लेकिन इस डायग्राम के बारे में मैं फिलहाल अभी कुछ भी डील नहीं करूँगा। ये डायग्राम जानते हैं इसके बारे में, फिलहाल हम लोग बातें करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, इस रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि द प्रोसेस थ्रू विच फॉर्मेशन ऑफ न्यू बेबीज टेक्स प्लेस टू मेंटेन द रेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने रेस को मेंटेन करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या रिप्रोडक्शन ज़रूरी है? जैसे कि ये बात हम लोग को पता है कि हम लोग जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, मीन्स वी डू ब्रीदिंग, वी डू रेस्पिरेशन, एज वेल एज वी इनटेक सम फूड। हम लोग कुछ कुछ खाना खाते हैं, वी ईट फूड्स। तो हम लोग खाना क्यों खाते हैं? फॉर नरिशमेंट, न्यूट्रिशन के लिए हम लोग को खाना चाहिए होता है। और ये बात सबको पता है कि बिना न्यूट्रिशंस के हमारी डेथ हो जाएगी। तो हम लोग जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए खाना खाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये जो प्रोसेस रिप्रोडक्शन का है, क्या इस रिप्रोडक्शन को किए बिना किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। कोई ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होगी, बल्कि उस ऑर्गेनिज्म का कोई भी फिर रेस मेंटेन नहीं हो पाएगा। रेस कहने का मतलब कि उसके वंश आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो फॉर मेंटेन पॉपुलेशन, मेंटेन देयर रेस, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू डू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, बिकॉज वी ऑल नो दैट रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, इट इज़ द ओनली वन प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन बेबीज। वो अपने बेबीज का प्रोडक्शन करते हैं और उन्हीं बेबीज के थ्रू क्या होता है कि रेस मेंटेन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन। क्लास 10 के एग्जाम में अक्सर पूछता है कि व्हाई द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेरी मैंडेटरी, क्यों मैंडेटरी होता है, ये क्यों जरूरी होता है? तो सिंपल सी बात है, टू मेंटेन द रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, टू मेंटेन द रेस, रेस को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। तो रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं। रिप्रोडक्शन इज फॉल अंडर टू वेरी ब्रॉड कैटेगरीज, द वेरी फर्स्ट इज एसेक्सुअल एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में बातें नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर अगले दिन इसके बाद का जो वीडियो होगा, अब हम लोग को इस पूरे चैप्टर के अंदर दो ही चीज़ तो पढ़ना है, एक सेक्सुअल पढ़ना असेक्सुअल पढ़ना है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, इसी के बारे में काफ़ी लंबा चौड़ा हम लोग को डील करना है। लेकिन हम लोग जरा बात करते हैं, फिलहाल थोड़ा सा आज बात कर लेते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग बोल सकते हैं कि नो नीड टू पार्टनर, दो पार्टनर की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सिंगल पार्टनर से ही जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल कहलाता है। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स मे बी और मे नॉट टेक्स प्लेस। ये सबसे बड़ी बात है कि भाई फर्टिलाइजेशन हो भी सकता है, गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन नहीं भी हो सकता है। नाउ व्हाट इज गैमेट? तो ये बात सबको पता है कि गैमेट दो तरह के होते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय गैमेट? थोड़ा सा गैमेट के बारे में बात कर लेते हैं कि ये गैमेट क्या होता है।
सो गैमेट इज व्हाट एक्चुअली, दिस इज द सेक्स सेल। ये एक तरह का सेल होता है, इसी सेल के वजह से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो अगर बात करें गैमेट की, तो गैमेट दो तरह का होता है, एक होता है मेल गैमेट और दूसरा होगा फीमेल गैमेट। एंड इस बात को जान लो कि हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स में जो मेल गैमेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, और जो फीमेल गैमेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम। स्पर्म कुछ इस तरह का दिखाई देता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, और ओवम एक के जैसा होगा। ये स्पर्म क्या करता है कि मेल बॉडी से ये स्पर्म रिलीज होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल क्वाइटस, ठीक है। और ये स्पर्म क्या करेगा, इट ट्रैवल फीमेल बॉडी के अंदर ये जाता है और वहाँ से ट्रैवल करके सीधे पहुँचता है फीमेल एग के पास, और ये एग और ओवम, एग और स्पर्म आपस में मिल जाते हैं, और इन दोनों के मिलने के बाद यहाँ पर जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, इसी को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होता है कि एक नए सेल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। सो दिस इज द सेल विच इज कॉल्ड जाइगोट। और ये जाइगोट कैसे होता है, कैसे बनता है, ये फर्टिलाइजेशन की हेल्प से बनेगा, और ये जाइगोट सिंगल सेल होता है। जब भी कभी जाइगोट का फॉर्मेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो जाए, कब होगा जाइगोट का फॉर्मेशन, जब फीमेल बॉडी के अंदर इस स्पर्म की एंट्री हो जाए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल क्वाइटस, तो क्या होगा उस वक्त, फीमेल बॉडी के अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और ये जाइगोट जब बनेगा, सो दिस इज द वेरी वेरी फर्स्ट सेल, फ्रॉम दिस सेल एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ। दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे बैक्टीरिया हो या वायरस हो या ह्यूमन बींग्स हो या ब्लू वेल हो या कोई भी एलिफेंट हो या हाथी हो, कुछ भी हो, सबों का लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है। तो ह्यूमन बींग का लाइफ भी इसी सेल से स्टार्ट होता है, एंड दिस सिंगल सेल आर कॉल्ड जाइगोट। अब हम लोग तो मल्टी सेलुलर हैं, तुम ये बोलोगे कि सर हम लोग तो मल्टी सेलुलर हैं, तो कैसे सिंगल सेल से हम लोग बनते हैं। एक्चुअली होता क्या चीज़ है कि ये सिंगल सेल आगे चल के डिवाइड होता है। ये एक सिंगल सेल है, सपोज दैट यहाँ पे दिखाता हूँ, ये एक सिंगल सेल है, ये एक से दो बनेगा, फीमेल बॉडी के अंदर सेल डिवाइड होगा, दो से चार सेल का फॉर्मेशन होगा, और फिर आगे धीरे धीरे चार से आठ सेल बनेंगे। इस तरह से नंबर ऑफ सेल फीमेल बॉडी के अंदर बढ़ता चला जाएगा, आठ सेल बना, एट से 16, 32, इस तरह से नंबर ऑफ सेल क्या होगा, जस्ट डबल होकर मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, और एक समय के बाद ट्रिलियन नंबर ऑफ सेल का फॉर्मेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, और वही सेल आपस में मिल करके एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये सेल कैसे डिवाइड करता है, तो इस कॉन्सेप्ट को मैं सिखाऊंगा यहाँ पर इस सेल के पास, ये जो सेल का डायग्राम है इसके थ्रू ही इस कॉन्सेप्ट को हम डील करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग को ये देखना है कि भाई अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर जो गैमिट्स के बारे में बात कर रहे थे, ये वही गैमिट है, दो तरह का गैमिट होगा, मेल और फीमेल गैमिट, ठीक। तो चलो आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर एक तुम लोगों ने टर्म देखा होगा फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि ये हो भी सकता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमिट्स मे बी और मे नॉट टेक्स प्लेस। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमिट का फर्टिलाइजेशन हो भी सकता है, गैमिट का फर्टिलाइजेशन नहीं भी हो सकता है। इसके पीछे का कारण ये है कि नो नीड टू पार्टनर, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सिर्फ एक सिंगल पार्टनर की जरूरत ही पड़ेगी, एंड ओनली सिंगल पार्टनर, सिंगल पेरेंट इज कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर वेरी न्यू ऑफस्प्रिंग, वो अपने बिल्कुल नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और थोड़ा सा बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ये जो मैंने जो एग्जांपल दिया था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही था। तो अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो बोल सकते हैं कि नीड टू पार्टनर हैविंग ओपोजिट जेंडर, दो ओपोजिट जेंडर के दो पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ओपोजिट जेंडर होंगे, जिनमें एक मेल होगा एक फीमेल होगा, तभी तो मेल के बॉडी से स्पर्म निकल के फीमेल के बॉडी में जाएगा, और वहाँ पर स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा, एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ द सिंगल सेल दैट इज जाइगोट टेक्स प्लेस, और वही जाइगोट आगे जाके डिवाइड करेगा। हम लोग बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस एंड रिजल्टेंट
फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट अकर्स, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात थी, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि अब सवाल है कि आखिर जो सेल का डिवीजन होता है वो कैसे होता है। तो इसमें एक हम लोग को एक टॉपिक पढ़ना है, अब थोड़ा सा एक बार देखेंगे हम लोग कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो कोई टाइप नहीं होता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप बहुत सारा होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अगर बात कर लें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो बोल सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन, फोर्थ स्पोर फॉर्मेशन, फाइव रीजनरेशन, एटसेट्रा। इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत सारा टाइप होता है। तो इसके टाइप्स के बारे में हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग सिर्फ इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग एक टर्म अभी पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए कॉपी, ठीक है। तो बात करते हैं कि भाई डीएनए कॉपी क्या चीज़ होता है। अगर तुमको इसके बारे में पता है, इतना सारा बेसिक अगर जानते हो, तो फिलहाल वीडियो को 2K स्पीड में आगे बढ़ाओ और आगे मूव कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारे रिवीजन का एक बढ़िया तरीका है, इससे तुम 2K स्पीड में रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक टर्म यूज होता है डीएनए कॉपी। सवाल है कि डीएनए क्या होता है। देखो डीएनए क्या होता है, कोई भी जो सेल है, मैंने जो जाइगोट बताया था, वो जाइगोट क्या होता है, वो भी एक तरह का सेल होता है, वो भी एक सेल ही होता है, सिंगल सेल। सो एक्चुअली दिस इज द डायग्राम ऑफ द सिंगल सेल। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, जो कि रेड कलर से मैंने दिखाया है। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्रोमोसोम कहलाता है। और ये क्रोमोसोम कितना होता है, एक सिंगल सेल के अंदर, ह्यूमन बींग के सिंगल सेल के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होगा। क्रोमोसोम के अंदर तुम देखोगे ये रेड रेड कलर का तुमको एक उलझा हुआ एक धागा दिखाई दे रहा है, अनवाइंडिंग कॉइल थ्रेड। ये क्या है, इस थ्रेड को तुम अगर देखोगे तो ये इस तरह का तुमको दिखाई देगा, थ्रेड का छोटा सा पार्ट अगर देखा जाए तो इस तरह का दिखाई देगा। दैट इज डबल हेलिकल ट्विस्टेड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड डीएनए। डीएनए डबल हेलिकल डीएनए, डीएनए का पूरा नाम है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो इट इज़ वेरी मैंडेटरी टू नो ऑल ऑफ यू द फुल नेम ऑफ डीएनए। अब डीएनए करता क्या है, तो मैंने नोट में लिखा हुआ है कि भाई डीएनए क्या होता है। डीएनए के अंदर जीन प्रेजेंट होता है। जीन का काम क्या होता है, हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के प्रोटीन्स को बनाना, ठीक है। प्रोटीन से ही सारा काम होता है, हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन से ही सारा काम होता है। जैसे कि अगर अपने बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करना है, तो फूड कैसे डाइजेस्ट होगा, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए होगा। लेकिन एंजाइम का फॉर्मेशन, एंजाइम का एक्टिवेशन कैसे होता है, अपने बॉडी के अंदर हर एक चीज़ इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोटीन चाहिए होता है। तो प्रोटीन क्या करता है कि बॉडी के अंदर जो एंजाइम है उसी एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, और उसी एंजाइम के हेल्प से हमारे बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और डाइजेशन के बाद फूड में जितने भी चीज़ प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ फैट, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, ये सब हम लोग को मिल जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि बॉडी में नरिशमेंट का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो भाई अपने बॉडी में जो इतना सारा सेल है, अपने बॉडी में ट्रिलियन नंबर ऑफ सेल है, और हर एक सेल के अंदर डीएनए पड़ा होता है। और डीएनए का काम क्या है, डीएनए के अंदर जो जीन है, उस जीन के अंदर इंफॉर्मेशन होता है, उसी इंफॉर्मेशन के हेल्प से बॉडी में अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनते रहते हैं। कुछ प्रोटीन एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, कुछ प्रोटीन दूसरे तरीके का काम करेगा। हम जब स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे बॉडी में स्ट्रेस को दूर करने वाला हार्मोन रिलीज होता है। तो बॉडी में प्रोटीन है जिनका अलग अलग काम है, और ये प्रोटीन बनता कहाँ है, प्रोटीन बनता है सेल के अंदर, सेल के वजह से ये प्रोटीन बनता है। तो ये डीएनए है। अब सवाल है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, जैसे मान लो बात करते हैं बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब कि बैक्टीरिया के बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल ही प्रेजेंट है, ओनली सिंगल सेल आर प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरियल बॉडी। तो बैक्टीरिया कैसे अपने रेस को मेंटेन करेगा, बैक्टीरिया कुछ नहीं करता है। सपोज दैट ये बैक्टीरियल बॉडी है,
ठीक है, ये बैक्टीरियल बॉडी, इसके अंदर बैक्टीरिया का डीएनए पड़ा हुआ है, दिस इज द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, इस तरह से उलझा हुआ एक धागा होता है, सो दिस इज बैक्टीरियल डीएनए, हम लोग बोल सकते हैं ये है बैक्टीरियल डीएनए। अब अगर बैक्टीरिया को अगर रिप्रोडक्शन करना है तो बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने डीएनए को डबल करेगा। पहले डीएनए को डबल क्यों करेगा, करेगा क्या, इस सेल का ग्रोथ स्टार्ट होगा और डीएनए डबल हो जाएगा। ये देख लो बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए था, इस तरह का जो डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है वो एक डीएनए का कॉपी होगा, डीएनए की कॉपी होगी, और ये डीएनए दो टू डीएनए का डबल डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। अब डबल डीएनए क्या होगा, अब यहाँ से यही चल, यही सेल आगे चल के डिवाइड होगा, और ये सेल जब डिवाइड होगा कैसे डिवाइड होगा, एक मिनट, इस सेल को डिवाइड करना होगा, तो ये सेल कैसे डिवाइड करेगा, आगे चल के सेल धीरे धीरे डिवाइड करना शुरू करेगा, इस तरह से बीच में से यहाँ से पिंचिंग स्टार्ट होगा और यहाँ से धीरे धीरे सेल डिवाइड करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लगभग दो ठो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, इस तरह से ये एक डीएनए और ये दूसरा डीएनए। अब क्या होगा, यही सेल आगे चल के डिवाइड हो जाएगा और ये बीच में से ब्रेक कर जाता है, जब ये बीच से ब्रेक करेगा तो यहाँ पर दो ठो सेल का फॉर्मेशन होगा, एक ये वाला सेल, एक दूसरा वाला सेल, एक के अंदर ये वाला डीएनए और दूसरे के अंदर इस टाइप का डीएनए होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर भी डीएनए ऐसा ही था, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा उलझा हुआ दिखा दिया, ठीक है, तो इसके अंदर भी डीएनए इस टाइप से था, भरा हुआ डीएनए पड़ा हुआ था सेल के अंदर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई डीएनए कॉपी क्यों करना है, डीएनए कॉपी इसलिए करना है क्योंकि ये जो बैक्टीरियल डीएनए था ये क्या था, ये मदर बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया था मदर बैक्टीरिया। अब इस मदर बैक्टीरिया को रिप्रोडक्शन करके अपने रेस को मेंटेन करना है, तो रेस को मेंटेन करने के लिए इसने अपने दो डाउटर का फॉर्मेशन किया। तो हम लोग को ये काफ़ी आसानी से दिखाई दे जाता है कि भाई इसने अपना डाउटर का फॉर्मेशन किया, ये लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं डाउटर, डाउटर बैक्टीरिया। तो इसने अपने डाउटर यानी कि अपने बेबी का फॉर्मेशन किया। तो सवाल है कि हम लोग को बहुत आसानी से दिख जाता है कि एक सिंगल बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो गया, इसके अंदर डीएनए भी है, तो ये डीएनए कहाँ से आया, तो ये डीएनए जो आ रहा है, इट इज थ्रू द हेल्प ऑफ डीएनए कॉपी, दिस इज द प्रोसेस विच इज गोइंग ऑन जस्ट इनसाइड एवरी ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर डीएनए कॉपी का प्रोसेस चल रहा होता है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो डीएनए था इसका अमाउंट डबल हो गया, डबल हो जाता है, मैंने इसको ऑलरेडी ब्रेक करके दिखाया है, ये डीएनए का अमाउंट क्या होता है कि डबल हो जाता है। अब जब डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा तो सेल यहाँ से धीरे धीरे क्या होता है कि सेल यहाँ से धीरे धीरे पिंचिंग करना शुरू होता है और धीरे धीरे छोटा होना शुरू होता है, देखिए जो प्रोसेस यहाँ पर है। और जब ये पिंच थोड़ा अंदर की तरफ चला जाएगा तो ये दोनों डीएनए सेपरेट हो जाते हैं लगभग, और सेपरेट होने के बाद में नाउ दिस सेल ब्रेक्स इंटू टू पार्ट, ये दो पार्ट में टूट जाएगा और दोनों ही पार्ट में डीएनए प्रेजेंट होगा। डीएनए का होना क्यों ज़रूरी है, जरा सोचो, अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर अगर एंजाइम बनना बंद हो जाए तो तुम जो खाना खाते हो वो डाइजेस्ट कैसे होगा, उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी में एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो एंजाइम है वो कैसे अपने बॉडी में आ रहा है, एंजाइम प्रोटीन के हेल्प से आता है, और प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन बनता है सेल के अंदर डीएनए के हेल्प से, क्योंकि डीएनए के अंदर वो इन्फॉर्मेशन होता है कि कब कौन सा हमको एंजाइम को एक्टिवेट करना है, कब कौन सा प्रोटीन बनाना है, तो डीएनए के अंदर वो सारा इन्फॉर्मेशन होता है। तो ये जो बैक्टीरिया का है, ये बैक्टीरिया है, ये भी तो खाना खाएगा, तो खाना खाने के लिए फूड को डाइजेस्ट करना पड़ता है, फूड खाना खाने के बाद तो फूड का डाइजेशन करना है, तो डाइजेशन करने के लिए बॉडी में एंजाइमेटिक एक्शन के लिए डीएनए का होना काफ़ी ज़रूरी है। सो डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल इन ह्यूमन बींग्स। किसी किसी बैक्टीरिया में आरएनए भी होता है, किसी किसी बैक्टीरिया में डीएनए भी होता है। अब आरएनए और डीएनए क्या होता है, ये जब आगे हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे पढ़ोगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आरएनए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डीएनए। फिलहाल इतना जान लो कि डीएनए के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जीन होते हैं, उन्हीं जीन के हेल्प से डीएनए अपना मशीनरी वर्क करता है, और उसी मशीनरी वर्क के हेल्प से डीएनए अलग अलग तरह के प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब है कि सेल के अंदर डीएनए है और डीएनए के वजह से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और प्रोटीन के फॉर्मेशन होने से अपने बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स बनते हैं, अपने बॉडी के अंदर एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। सो दिस इज़ ड्यू टू वन एंड ओनली न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए। तो ह्यूमन बींग्स में जो जेनेटिक मटेरियल है, मतलब जिसके अंदर जीन है, वो डीएनए है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमको बताना था डीएनए कॉपी।
तो डीएनए कॉपी रिप्रोडक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के हेल्प से ऑर्गेनिज्म को अपने रेस को मेंटेन करना है, तो रेस को मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली डीएनए की जरूरत पड़ेगी, डीएनए को कॉपी करने की। तो ये था डीएनए कॉपी, ये था आज का क्लास। अब हम लोग अगले क्लास में इसके बाद का लेक्चर देखेंगे, आगे का लेक्चर देखेंगे। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।